दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित ब्लॉग 7459 में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो जो है देख सकते हैं मेरे पीछे दानापुर रेलवे स्टेशन है और दानापुर रेलवे स्टेशन में पर जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, इस काम को हम आज अपडेट देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि क्या काम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और मेरे वीडियो में पूरी बने रहिएगा। और चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि दानापुर स्टेशन पर क्या वर्क हो रहा है और क्या काम हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर तो हम अभी चढ़ गए हैं। और इस प्लेटफॉर्म का बता देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो नंबर है इसका, ये प्लेटफॉर्म का नंबर है 1A। दरअसल बात करते हैं दोस्तों कि आगे में जो है वो प्लेटफॉर्म है 1 है और ये प्लेटफॉर्म जो है 1 है। और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि एक मेमू पैसेंजर ट्रेन जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर 1A प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों, यहाँ पर अभी बहुत सारा काम जो है इसी प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं हुआ है, तो इसी काम को हम अपडेट देने वाले हैं। और दोस्तों बता देना चाहते हैं कि ये जो आप मेमू पैसेंजर ट्रेन जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रेन जो है दोस्तों, ये यहाँ पर रुकने का मतलब है ये ट्रेन जो है पाटलिपुत्रा जंक्शन जाती है। जैसे दरअसल ये ट्रेन यहाँ से खुलती है तो सीधे ये पाटलिपुत्रा जंक्शन जाती है, इसीलिए जो भी ट्रेन 1A पर आकर रुकती है तो सीधा पाटलिपुत्रा के लिए कनेक्ट होती है, और पाटलिपुत्रा से जब आती है तो 2 नंबर या 3 नंबर पर जाती है। तो दरअसल यहाँ देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये शेड जो है, देखिए कि अभी नया नया लगा है और ये शेड तो लग गया, लेकिन अभी नीचे का जो वर्क है वो देखिए कि अभी ये जो काम जो है वो अभी बैठने वाला नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत सारे ये 1A पर अभी देखिए कि बहुत सारे गंदगी है और साफ़ सुथरा भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसका जो काम जो है दोस्तों वो अभी चल रहा है शेड लगाने का। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से अभी वहाँ पर भी शेड जो है वो अभी नहीं लगा है। इधर से देख सकते हैं कि ये तो अभी पटना मेमू जो पैसेंजर है, पाटलिपुत्रा अभी स्टेशन जाने वाली है तो वो तो लगी हुई है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि अभी शेड उड जो है वो लगने का काम चल रहा है। और दरअसल वो साइड बात करें तो वो साइड भी रेलवे का ही ज़मीन है, लेकिन दरअसल अगर भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो कभी कवर कर सकती है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रेन जो है अभी देखिए ये खुल गई है, पाटलिपुत्रा अगर जंक्शन स्टेशन जाना है तो ये ट्रेन जो है 1A प्लेटफॉर्म नंबर संख्या से खुल गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे गिट्टी उट्टी है। और आगे भी देखिए कि पूरा काम चल रहा है, और वो साइड देखिए कि वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो सब 2 और 3 प्लेटफॉर्म में वो साइड है, तो वो साइड भी हम थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। और दरअसल इधर जो देखिए कि अभी शेड उड लग रहा है, कहीं काम नहीं हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो पटना मेमू पैसेंजर ट्रेन जो खुल गई है, और इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर यात्री जो हैं देखिए अभी लेट हैं, कैसे मतलब दौड़ कर पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेन जो है वो खुल गई है तो इस तरह से जोखिम डाल रहे हैं। दोस्तों बता देना चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म का नंबर जो है दोस्तों 1A है, और इसके जो एक ओवरब्रिज है, फुट ओवरब्रिज जो है, जो फर्स्ट से थोड़ा सा आगे तक एक है 1A है, और उसके आगे अगर आप चलिएगा तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 मिलेगा, और लेकिन इसको 1A रख दिया गया है। और बाहर से जो भी ट्रेन आती है दोस्तों, यहाँ पर दरअसल बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर जितना लगेज उगेज सामान वामान होता है सब यहीं पर उतरता है, और यहाँ से ही मतलब कि वो टर्न ओवर होता है, एक जगह दूसरे दूसरे जगह जाता है। तो ये सब यहाँ पर है 1A, और इसको काफ़ी लंबा भी बना दिया गया है दोस्तों, अगर 1A और 1A को मिला दिया जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ये पूरी तरह से देखिए कि यहाँ पर मजदूर भाई अपना काम कर रहे हैं, शेड लगाने का, जो शेड लगाने वाला काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर में इस तरह से रस्सी से बांध रहे हैं नीचे, और देखिए गैस मशीन से ये, तो पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि ये 1A पर शेड लगने का काम चल रहा है। तो दानापुर में स्टेशन पर 1A पर आपको ये सब जो वर्क है दोस्तों वो देखने को आपको मिलेगा। तो अभी फिलहाल ये देख सकते हैं पूरा तरह से काम चल रहा है। दोस्तों अगर दानापुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग एक दिन में 70, 80, 90 ट्रेनें जो है यहाँ पर
रुकती है और यहाँ से यात्री लोग सफ़र करते हैं। कुछ ट्रेनें जो है पटना जंक्शन को, मतलब कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो बहुत हल्का करने के लिए, कम करने के लिए भीड़ भाड़ को, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेन जो है यहाँ से खुलना स्टार्ट भी हो गया। जैसे तो बहुत बड़े बड़े ट्रेन जो है दोस्तों अब यहाँ से ही मतलब स्टार्ट हो गया, खुलती है, और यहाँ से एक दिन में लगभग 80 से 90 ट्रेन जो है मतलब कि यहाँ पर रुकती है और यहाँ से मतलब कि आती जाती है। तो ये सारा चीज़ है। और यहाँ भी देखिए कि अभी शेड जो है वो दोस्तों लगने के लिए हो रहा है, मतलब काम जो है वो दोस्तों चल रहा है। और ये साइड की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 6 प्लेटफॉर्म है। और ये देखिए आपको 1A पर फुट ओवर ब्रिज भी है जो एक बना हुआ है, आपको मिलेगा। तो इस फुट ओवर ब्रिज पर हम अभी चढ़कर आप लोगों को आगे दिखाते हैं। और इसके आगे फुट ओवर ब्रिज से आगे जाइएगा तो आगे आपको 1 प्लेटफॉर्म नंबर मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये फुट ओवर ब्रिज है और इसी फुट ओवर ब्रिज पर हम अभी चढ़ रहे हैं, और चढ़ने के बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर से। तो दरअसल बात करें दोस्तों तो यहाँ देखिए कि ये फुट ओवर ब्रिज से ये बाहर का है, और यहाँ भी देख सकते हैं कि कुछ वर्क जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये साइड भी आइएगा तो ये साइड भी आप जैसे फुट ओवर ब्रिज पर आते हैं तो ये साइड से भी आप सीधे उतर कर प्लेटफॉर्म नंबर 1A पर जा सकते हैं। और ये देखिए कि इधर जो है आप चले जाइएगा बीटा और मुगलसराय के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पैसेंजर ट्रेन आई है, और ये पैसेंजर ट्रेन जो है बक्सर तक जाने वाली है, बक्सर मुगलसराय जो पटना से होकर। तो ये ट्रेन जो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है, तो पटना की तरफ से जो भी ट्रेन आती है दोस्तों तो ये ज़्यादा संख्या में 3 या 2 पर ही आती है, और मेन लाइन और एक का जो है वो वहाँ देख सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म नंबर वहाँ है। अगर दानापुर स्टेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 फुट ओवर ब्रिज है, एक फर्स्ट यहाँ पर है, एक बीच में है और एक इसके आगे है। तो 3 फुट ओवर ब्रिज है, और यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये शेड का जो है लगाने का काम चल रहा है यहाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लास्ट प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर जो है दोस्तों ये देखिए कि आगे की ओर जहाँ टेम्पू लगा हुआ है, ये टेम्पू से आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ाया गया है, और जो देखिए कि यहाँ पर गिट्टी बालू ईटा उटा गिरा हुआ है, और इसके कारण वहाँ तक आगे आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो है कुछ आपको बढ़ाया जाएगा। तो ये सब काम जो है दोस्तों इस दानापुर रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल रहा है का है। ये भी सब दोस्तों बता देना चाहते हैं कि ये सब रेलवे का ही ज़मीन है, और ये सब जो है रेलवे का ज़मीन है, और भविष्य में हो सके तो इस ज़मीन को भी पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा। जब आगे नया टिकट काउंटर या वेटिंग हॉल कुछ भी बनेगा तो दरअसल इस जगह को भी कवर कर लिया जाएगा धीरे धीरे। और दानापुर रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों एक मतलब कि डिवीज़न है, और इस सेंट्रल रेलवे के अंदर ये आती है, तो ये एक डिवीज़न। तो दोस्तों आप लोगों को दानापुर रेलवे स्टेशन का पूरा डेवलपमेंट जितना वर्क हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1A का सारा हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट लोकेशन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।